हम भारत से आए हैं और आपके गांव में घूमने आए हैं, हमें आपका गांव देखना है। আমরা ভারত থেকে এসেছি এবং আপনার গ্রামে বেড়াতে এসেছি। আমরা আপনার গ্রাম দেখতে চাই। किस प्रकार से ये पूरा टोटल मिट्टी का घर है और शायद ये बंद पड़ा है, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है मेरे ख्याल से। आप अंदर से भी थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, देखिए पूरा मिट्टी का। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे इंडियन लोग बांग्लादेश आते हैं और बांग्लादेश विजिट करते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं। आज भी हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें एक बांग्लादेश के अंदर इंडियन बंदा आया हुआ है और वो काफी हैरान है। खास करके वो बांग्लादेश की विलेज साइड पे गया हुआ है और विलेज साइड में काफी जो है ना वो हैरान है। अब उसको हिंदी आती है, गाँव वालों को जो है वो हिंदी नहीं आती, उनको बांग्ला आती है, इसको बांग्ला नहीं आती। तो काफी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, इसको देखेंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि इस बंदे के साथ और क्या चीजें हुई। तो चलिए आज इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। हम भारत से आए हैं और आपके गांव में घूमने आए हैं, हमें आपका गांव देखना है। আমরা ভারত থেকে এসেছি এবং আপনার গ্রামে বেড়াতে এসেছি। আমরা আপনার গ্রাম দেখতে চাই। किस प्रकार से ये पूरा टोटल मिट्टी का घर है और शायद ये बंद पड़ा है, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है मेरे ख्याल से। आप अंदर से भी थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, देखिए पूरा मिट्टी का पुराने टाइप का कच्चा घर बनाया हुआ है। ये इस प्रकार से तोड़ तोड़ कर मार्केट में फिर यहाँ कत्था वगैरह लगाकर अंदर सुपारी वुपारी डालकर मजे लेते हैं, यहाँ पर हर कोई पान खाता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का अपने यात्रा गुरु जी चैनल पर बांग्लादेश के इन घन घोर जंगलों से हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। और फिलहाल मैं हूँ अभी बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, जो कि अपने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से दोस्तों कम से कम 500 किलोमीटर दूर है। अब इस गांव का नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि सारा का सारा बांग्ला में लिखा हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक दो लोगों से मैंने गूगल ट्रांसलेट करके बात किया क्योंकि यहां पर ना हिंदी समझने लग रहे हैं और ना ही हिंदी सॉरी इंग्लिश समझ रहे हैं, ठीक है, ना हिंदी ना इंग्लिश, कुछ भी नहीं, ओनली बांग्ला। और आप ये पीछे थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड का यहाँ पर अवलोकन कीजिए, किस प्रकार से यहाँ पर बंबू और एक तरह की लाइफ लाइन कह सकते हैं यहाँ का, यहाँ के घर बंबू से बनते हैं, यहाँ के टोकरी बर्तन जितने भी है सब कुछ हम यहाँ पर इस गांव के अंदर चलने वाले हैं। काफी भीतर मैं आपको लेके जाऊंगा, यहाँ पर पान की खेती हम देखने वाले हैं। मैं जब इस एरिया में आ रहा था तब मैं पहली बार पान की खेती देखी, किस प्रकार से पान की खेती होती है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएंगे। छोटे से लेकर बड़ा सब कुछ यहाँ पर पान खाते हुए मिलेगा, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं इन खूबसूरत जंगलों के अंदर बांग्लादेशी गांवों का जीवन दोस्तों। अब हम घुस रहे हैं इस गांव के अंदर और गांव का फर्स्ट इंप्रेशन अगर हम देखें तो हमारा स्वागत कुछ इस प्रकार से बंबुओं के साथ में हो रहा है। और साइड में देखिए बंबुओं की ही इस प्रकार से दीवार बनाकर रखी गई है, पाल वगैरह लगाया हुआ है, तिरपाल खींचे हुए हैं। और इधर देखिए कुछ जंगलों का नजारा आप देख सकते हैं, केले वगैरह बहुत सारे पेड़ हमें यहाँ पर देखने लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ कोई भी हिंदी नहीं समझेगा या जो पढ़े लिखे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के घर है और यहाँ से मैं कुछ ऊपर से इस प्रकार के घर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बांग्लादेश के विलेज है और इस प्रकार से हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के ये घर बने हुए हैं और ट्रेडिशनल पुराने तरीके से घर बनाए हुए मिट्टी के, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये पूरा टोटल मिट्टी का घर है और शायद ये बंद पड़ा है, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है मेरे ख्याल से। आप अंदर से भी थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, देखिए पूरा मिट्टी का पुराने टाइप का कच्चा घर बनाया हुआ है। ये देखिए टिन सेट इस प्रकार से लगाए हुए हैं और ऊपर ये इस प्रकार से है। तो आज के जमाने में भी जंगलों के अंदर इस प्रकार से देखिए मिट्टी के घर हम लोगों को मिल रहे हैं। और इधर देखिए पूरा टिन सेट से बना हुआ घर, यहाँ पर हो सकता है कोई पहले के जमाने में एक कमरा रहा हुआ होगा, यहाँ पर पूरा एक फैमिली रहती होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ से तो वो हटा दिया गया है, लेकिन उधर ये आसपास ये टोटल घरों के अंदर अभी भी फैमिलीज रह रही है। और ये टोटल आसपास का ये देखिए नजारा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। काफी भीतरी इलाके में मैं आ गया हूँ, यहाँ पर कोई मेरी भाषा नहीं समझ रहा है, बस मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, ये लग रहा है कि बस ये कोई रिपोर्टर है और हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने लग रहे हैं। छोटू आती है हिंदी मालूम? ओनली बांग्ला। इंग्लिश? लिटिल लिटिल? बिल्कुल भी नहीं। दिस विलेज नेम? विलेज नेम गुच्छुग्राम। और डिस्ट्रिक्ट? गुच्छुग्राम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये इनको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। हम हिंदुस्तान भारत भारत थोड़ा घूमने के लिए। हाँ तो ये इस प्रकार से थोड़ा घर देख सकते हैं, घर मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे? हाँ हाँ वो कह रहे हैं, बिल्कुल समझ गए वो।
तो आइए हम देखते हैं। तो थोड़ी सी भाषा की दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं। ये देखिए इनके घर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार से पूरा ये पान की खेती है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो इस प्रकार से ऊपर है, अब पान के और भी खेतों के अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन ये बेलों के ऊपर इस प्रकार से मैं काफ़ी सारे खेतों के अंदर देखा है, स्टैंड बनाकर इस प्रकार से पान की खेती वगैरह करते हैं। और ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पर हम लोग घर देख रहे हैं, पुराने कच्चे मिट्टी के घर, हाँ मिट्टी के पुराने घर हैं। थोड़ा गूगल ट्रांसलेट से इनको हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो हो सकता है ये समझ जाए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हम भारत से आए हैं और आपके गांव में घूमने आए हैं, हमें आपका गांव देखना है, आपके घर कैसे बने हुए हैं ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो अभी हम इनको सुनाते हैं। अब इनको हम सुनाते हैं। আমরা ভারত থেকে এসেছি এবং আপনার গ্রামে বেড়াতে এসেছি। আমরা আপনার গ্রাম দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই আপনার বাড়িগুলি কিভাবে তৈরি হয়েছে। ओके हाँ, तो मतलब इनको मैंने गूगल ट्रांसलेट से थोड़ा सा समझा दिया कि भाई हम इंडिया से आए हैं और आपका थोड़ा गांव घूमने के लिए आए हैं। तो ये इस प्रकार से और थोड़ा एक दो बस हम बताएंगे, आपके यहाँ पर पान की खेती कहाँ होती है वो हमें देखनी है। पान खेती किधर, इधर है, दूर है, दूर है, दूर है, खेत है, दूर दूर है। या तो ये गूगल ट्रांसलेट से काम चलाना पड़ रहा है, क्या करें। तो ये इस प्रकार से घर बने हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ का रहन सहन है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस प्रकार से ये ऊपर से बंबू और पत्थरों से घर बने हुए हैं। ये पत्थर देखिए पूरे सड़ भी चुके हैं, काफी पुराने हैं। और ये देखिए हम आपको तो अरे यार ये चालू हो गए, अरे बंद करो इसको, ये गूगल ट्रांसलेट है। तो ये देखिए ये वापस पूरा मिट्टी का घर बना हुआ है। आसपास यहाँ पर ये इस प्रकार से इनके स्नान करने की व्यवस्था है और केले के पेड़ लग रहे हैं और ऊपर ये देखिए अलग अलग फलों के पेड़ हैं। ये पूरा जंगल के अंदर पूरा इस प्रकार से गांव बसा हुआ है। नाम अभी छोटों ने दिखाया ही था, ये कुछ इस प्रकार सा है। और पूरा ऊपर से ये देखिए ये यहाँ का जीवन है। तो थोड़ी भाषा की भाई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, गूगल ट्रांसलेट से काम चल रहा है और लोग काफी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बाहर से आए घूमने के लिए, तो कोई नहीं घूमो आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी, आपको हिंदी आती है? नो। आपके यहाँ पर हम कच्चे घर देख रहे हैं, तो क्या आपके पक्के मकान नहीं बने हुए हैं क्या? आप इन कच्चे घरों में कैसे रहते हैं? ठीक है, तो समझ गए, कच्चे घर, आपके पक्के मकान नहीं है, मकान, अच्छा इनके पक्के मकान नहीं है, इस प्रकार से मिट्टी के घर में रहते हैं और बंबुओं से पूरा पूरा बना बना के रहते हैं। तो ये आपके पूरे घर कच्चे बने हुए हैं और ऊपर से पॉलीथीन डाल के छत बनाई हुई है, तो क्या बरसात में आपके घरों में पानी नहीं आता है क्या? पानी आशे आशे तो भाई पानी, ये बोल रहे हैं कि हमारे कच्चे घर बने हुए हैं तो बरसात के दिनों में ये देखिए इस प्रकार से पानी टपक रहा है, तो घर के अंदर भाई पानी जो है वो अंदर भी आने लगता है और क्या ही करें, मतलब थोड़ा सा इस प्रकार कच्चे घरों की जिंदगी कुछ इस प्रकार से ही है। तो काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, काफी सपोर्टिव है, भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन अब क्या ही करें, ना हिंदी समझ रहे हैं ना इंग्लिश, और दादी जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर
आगे भी देख लीजिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ का जीवन, और काफी देखिए बहुत सारे यार यहाँ पर, मतलब कितने सारे बंबू ही बंबू इस प्रकार से बने हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक टोटल ये बंबू ही बंबू, यानी कि बांस ही बांस आपको नजर आएंगे। ये देखिए भाई, ये पूरा टोटल जंगल के भीतर आ गया हूँ, और ये इनका रहन सहन पूरा जंगल के अंदर ही इस प्रकार से विराजमान है। भाई अभी मैंने इनसे पूछा कि आप सबके ये मकान इस प्रकार से कच्चे बने हुए हैं तो आपको गवर्नमेंट पैसे देती है कि नहीं देती है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से पक्के मकान बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते। तो हो सकता है यहाँ पर इनकी सुविधा नहीं हो बांग्लादेश के अंदर। तो भाई अपने इंडिया में, भारत के अंदर तो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब यहाँ का सिस्टम थोड़ी भाषा की दिक्कत है तो इस प्रकार से, तो दादी जी को थोड़ा सा पूछते हैं। नहीं देना, सरकार मतलब इनका कोई हेल्प नहीं करती है कि भाई ये भाभी जी इस प्रकार से बता रहे हैं, तो काफी मुश्किल हालात है। अच्छा वो पूरा ऐसे नीचे आ रहा है, अच्छा पानी पड़ के, अच्छा तो वो बता रहे हैं कि भाई ये जो पीछे वाला जो घर दिख रहा है ये पूरा पानी की वजह से गल सड़ गल के पूरा ऐसे नीचे ढहने लग रहा है। और हम देख रहे हैं, ये देखिए साइड में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये देखिए पूरा पत्रे वगैरह जो है वो ऐसे नीचे गिरने लग रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ की इस प्रकार का जीवन है। यहाँ पर देखिए लकड़ी की किस प्रकार से गाड़ी बनाई हुई है। शहरों के और बड़ी बड़ी जो सिटीज टाउन वगैरह होते हैं उनके अंदर तो भाई मार्केट से गाड़ी खरीद के लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर लकड़ी की इस प्रकार से ये आपने बनाई, आपने खुद नहीं, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई हमने खुद ने बनाई है। तो ये इस प्रकार का भाई जीवन हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं, और लोग काफी खुश हो रहे हैं मेरे को देखकर, और बच्चा जो है वो एकदम घुमा भी रहा है, चला रहा है। स्कूल है, स्कूल दूर है, अच्छा स्कूल भी है तो दूर है, और इस प्रकार से पूरा पूरा रहन सहन है आसपास हम देख रहे हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ के घरों की दीवारें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, कितनी और सुंदर भी लग रही है, पूरा एकदम पैक किया हुआ पॉलीथीन से, तो इनके हवा भी घरों में कैसे आती होगी, पूरा चारों तरफ से घर को इस प्रकार से पैक करके रखते हैं, तो भाई किस प्रकार से हवा आती है यहाँ पर पता ही नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार के जीवन में ही जीने को ये आदि है, अब क्या ही करें। तो ये यहाँ का जीवन है इस प्रकार से। सिलेंडर कुछ दुकानों पर बिकते हैं, सिलेंडर टका कितना टका, सिलेंडर गैस गैस 1200, अच्छा 1200 टका, ओ 1200 टका, और बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा इसके नीचे चल लेते हैं, और बारिश के अंदर ये देखिए ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, तो बारिश के अंदर यहाँ पर ये काफी और पत्थर डाल के बनाए हुए हैं, मतलब अलग ही देखो कारीगरी है इनका, मतलब ये टूटते नहीं और मजबूती रहती है ना, ये तो पत्थर डाल दिए इनके अंदर, अच्छा यार कारीगरी मेरे को काफी अच्छी लगी। और इधर ये दादी जी वगैरह आए हैं, यहाँ का थोड़ा जंगलों के अंदर एनवायरनमेंट ही कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर तो बारिश नहीं होती है और थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये चारों तरफ ग्रीनरी है, यहाँ पर जंगल है, तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये भाई यहाँ का थोड़ा अच्छा माहौल देखने को मिला, और यहाँ पर ये कुछ एक बोर्ड लगा हुआ है, और ये इस प्रकार से टोटल, हाँ तो टोटल यहाँ पर इस प्रकार से ये हम जीवन देख रहे हैं। एक छोटी सी दुकान है ये यहाँ के गाँव की, और बारिश भाई साहब एकदम, और मौसम काफी खुशनुमा हुआ, और कितने सारे देखिए ये छोटे छोटे मुर्गे और एक बड़ा भी मुर्गा मुर्गी जो भी है सारा सब कुछ हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं, और ये गांव का जीवन है। और थोड़ा सा ये स्टैंड देखिए आप, बैठने के लिए कैसे बनाया है भाई एकदम, ये इसको काट के कितना अच्छा यूज हुआ है, पीछे इस प्रकार से बैठने के लिए पूरा स्टैंड बनाया है, ये भी तैयार हो रहा है, ये तैयार है या तैयार कर रहे हो रहा है, कर रहे हैं अभी ये तैयार चल रहा है अभी इस प्रकार से बैठने का। तो काफी अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और सिर्फ इस प्रकार के गांवों में ही देखने को मिलता है, सिटी में इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, सिटी में नहीं है। हाँ तो ये चीजें हैं भाई इस घर के अंदर। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बतख दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बतख का सेवन करते हैं भाई, ये इनका भोजन है। तो आप देखिए कितने भोजन है यहाँ पर, एक भोजन, दो भोजन, वो तीन भोजन, मुर्गा भोजन, यहाँ पर मुर्गा भोजन, बकरा भोजन, यहाँ पर बतख भोजन, सब कुछ भोजन है। तो यार ये मेरे को थोड़ा सा इनको हाथ लगाना मेरे को काफी पसंद है, लेकिन ये पता नहीं पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा मैं इनको ट्राई करता हूँ। ये पानी पीने लग रहे हैं,
तो ये थोड़ा सा पकड़ लेते हैं भाई। अरे थोड़ा ये डॉक्टर जी, हाँ थोड़ा इसको पकड़ो, हाथ हाथ लगा के देख लेते हैं थोड़ा। ये भैया जी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं अपने पकड़ने के लिए। ये हमारे हाथ में बत्तख आ गई भाई। पहली बार मैं इस प्रकार से बत्तख को हाथ लगाने लग रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है। अरे भाई साहब पता नहीं क्या लगा, कुछ तीखा तीखा लगा यार इसके। तो ये देखिए ये भाई साहब हैं, तो ये पहली बार मैंने हाथ लगाया, फर्स्ट टाइम पहली बार हाथ लगाया मैंने। फर्स्ट टाइम जो होती है इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन हम नहीं खाता ना। अच्छा ये योर ईटिंग इनका भोजन है भाई। तो ये काफी अच्छा लगा, यहाँ का इस प्रकार का जीवन है। ये यहाँ की जंगलों की लोकल विलेज लाइफ आप देख रहे हो भाई। बारिश तो होके रुक गई है, लेकिन ऊपर जो ये पेड़ हैं, पेड़ के पत्तों पर जो पानी है वो हवा के माध्यम से नीचे आने लग रहा है और इस प्रकार से गीले हो रहे हैं। बत्तख को पकड़ते वक्त ये देखिए इस प्रकार से कुछ लगा है हाथ में, पता नहीं, मैंने कहा था ना तीखा तीखा कुछ, पता नहीं क्या ही लगा है यार ये देखिए। तो ये थोड़ी जलन हो रही है यहाँ पर, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, पता नहीं कोई बीमारी ना हो जाए यार। यहाँ पे ये थोड़े से घरों का आप अवलोकन कीजिए, किस प्रकार से ये घर बने हुए हैं। ये देखिए पूरे टिन सेट के घर बने हुए हैं और टिन सेट की ही यहाँ पर छतें हैं और इन्हीं का ही यहाँ पर ये दरवाजा है। कुल मिलाकर इस प्रकार से टोटल यहाँ पर हम देखने लग रहे हैं, और ये इनका टिन सेट का ही कुछ इस प्रकार से गेट है। इस प्रकार से ये गेट आने जाने के लिए होता है, और ये है कुछ गाड़ी डालने के लिए गैराज है, जिसके अंदर मोटर बाइक यहाँ पर अंदर ये डालते हैं और वापस बाहर निकालते हैं, और इसी प्रकार के मकानों के अंदर ये रहते हैं। काफ़ी पत्ते यहाँ पेड़ के जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ के पत्ते हैं भाई साहब, ये ना इसके ऊपर मतलब खाना भी खा सकते हैं। इस पेड़ का नाम क्या है? नाम शेगुन। शेगुन अच्छा, सागवान, ये सागवान है अच्छा। अच्छा वेरी एक्सपेंसिव। ये घर पूरे टिन सेट के ही बने हुए हैं। तो या ये ऐसे पानी अंदर, पानी परे, सब परे आता अंदर जरना। अच्छा अंदर पानी है पूरा, थोड़ा सा देख लेते हैं अंदर से भी। हाँ थोड़ा सा अंदर से देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए नीचे से इनका जो आंगन है आपको मैं दिखाऊं, इस प्रकार से ये आंगन है वो सीमेंट का बना रखा है, और पूरा चारों तरफ से हम देखने लग रहे हैं कि भाई इस प्रकार से ये पढ़ाई के लिए स्टूल लगा रखा है यहाँ पर, ये पढ़ते भी स्टूडेंट, और अंदर से ये पूरा घर इस प्रकार से बना हुआ है। तो भाई इस प्रकार के घरों में भी रहते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाऊं कि भाई किस प्रकार से यहाँ का जीवन है। यह पूरे घर यार मतलब अच्छे लग रहे हैं इस प्रकार के यार। और एक बात बताऊं, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, बंगलों के अंदर खुश नहीं है, लेकिन यहाँ का जीवन आप देखिए कितना खुशनुमा है, और लोग काफ़ी एकदम अच्छे से और खुशी से यहाँ पर रहते हैं। और पूरा ये इस प्रकार से देखिए, ये पूरा गांव है एकदम, मोहल्ला, ये पूरा मोहल्ला है। और ये इधर ये पानी है, ये पानी इधर पीने का पानी। अच्छा ये पीने का, हाँ हॉट है, गर्म पानी आता है। अच्छा तो ये यहाँ पे ये कपड़े धोने के लिए, और ये नहाने का, धोने का, पीने का सब यही है। अच्छा अच्छा पीने का भी। अच्छा ये पीने का पानी भी इसी नल में आता है। तो ये इस प्रकार से है भाई यहाँ का ये जीवन, और काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे साथ भी चल रहे हैं, हमको पूरा गांव का जो है वो यहाँ पर अवलोकन कराने लग रहे हैं। या ये इस प्रकार से इधर भी एक थोड़े से आप घर देखिए, और कीचड़ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बरसात का माहौल है तो कीचड़ तो होगा ही, और फिर भी इसी के अंदर देखिए झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ा सा साफ करके परिसर को अच्छे से बनाया गया है। और ये लोग देखिए इस प्रकार से घड़े लेकर आए हैं, और अभी इस नल से पानी जो है वो भर के लेके जाएंगे। तो ये ऐसे घर बने हुए हैं, कच्चे कच्चे घर है, और काफ़ी खूबसूरत गांव है। अच्छा तो ये बता रहे हैं कि भाई ये सरकारी ज़मीन पर इस प्रकार से, और ये टिन सेट भी गवर्नमेंट ने दिया है क्या? सरकार, हाँ गवर्नमेंट ने दिया है। अच्छा 20 घर है। अच्छा तो 20 घरों को यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन पर ये गवर्नमेंट ने टिन सेट देके बसाया है। तो इनका पहले घर कहाँ था, मतलब ये अभी पहले कहाँ रहते थे पहले? 20 परिवार। अच्छा दूर से, उधर से माने आए। अच्छा है बांग्लादेशी? है बांग्लादेशी। अच्छा लेकिन अलग अलग रहते थे? अलग अलग रहते हैं। अच्छा इधर से हाँ, यहाँ पर एक बूढ़े दादाजी है आप देख सकते हैं इस प्रकार से, काफी उम्र दराज है,
और यहाँ पर इस प्रकार से ये इसी घर के अंदर यहाँ पर रहते हैं और ये इनका इनका घर है और इस प्रकार से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको गवर्नमेंट ने ज़मीन पे काफ़ी सारा ये टिन सेट वगैरह इस प्रकार से बना के दिया है, छोटे बच्चे हैं और इस प्रकार से टोटली ये इस प्रकार से भाई माहौल इस गांव का। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी नेचुरल और काफ़ी शांत माहौल देखने को लग रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो ये शौचालय देख रहे हो, ये जो 20 परिवारों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट की जमीन पर बसाया है टिन सेट डालकर, तो उन्हीं के लिए ये सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है। ये परिवार जो है वो इनको आराम से यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चालू कंडीशन में है और आसपास जंगल है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता इसको यूज कर रहे होंगे। तो महिलाएं वगैरह कर रही होगी, लेकिन जंगलों में खुले में जाने का एक मजा ही कुछ अलग ही होता है। गाँव की सड़कों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप देखिए इस प्रकार से लाल वाली ईंटों को एक दूसरे के आसपास इस प्रकार से डिजाइन से जोड़कर एकदम मजबूती के साथ में इस प्रकार से बसाया गया है ताकि ये टूटे ना, और ये पूरे गांव में इस प्रकार से ईंटों की ही सड़क देखने लग रहे हैं। हम लोग पूरे गांव का अवलोकन करके यहां तक पहुंचे हैं और ये पूरा इस प्रकार से देखिए नेचर के बीच में, जंगलों के बीच में ये पूरा गाँव बसा हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ पान के खेतों के अंदर, आप देख सकते हैं ये आसपास ये इस प्रकार से पान की खेती होती है और ये इस प्रकार के कीचड़ भरे रास्ते के अंदर हम चलने लग रहे हैं और ये है भाई पान की खेती। इस प्रकार से ये बेल और ये ऊपर जो पान आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं पास में से दिखाऊं, थोड़ा पास में मैं जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ कीचड़ है और नीचे खाई है, खाई के अंदर पानी भरा हुआ है। इस प्रकार के ये रास्ते हैं और ये देखिए ऊपर पूरे टोटली पान ही पान है। ये जो आप लोग देख रहे हो इस प्रकार से ये पान की जो ये बेले हैं, ये इन डंडियों की सहायता से जो है वो ऊपर ऐसे चढ़ती है और पान लगते हैं और ये ऊपर फिर फैल जाती है। पूरी बेलें जो है वो इस छत के ऊपर फैलती है और ये इस प्रकार से डंडियों से बेलें जो है वो ऊपर चढ़ती है भाई। ये देखिए मैं आ चुका हूँ पान के खेत के अंदर, ये इस प्रकार से ये डंडियां लगी हुई होती है और बांस की ये पतली पतली झिल्लियां इस प्रकार से बना के ये इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं और यहाँ इस बांस के पास में बीज लगाकर बेल जो है वो ऊपर चढ़ती रहती है, लगा देते हैं और इस प्रकार से ये देखिए जैसे बेल चढ़ी हुई है यहाँ पर, ये देखिए बेल चढ़ी हुई है और ये पान है ना, तो ये पान जो है ये इस प्रकार से तोड़ तोड़ कर मार्केट में फिर यहाँ कत्था वगैरह लगाकर अंदर सुपारी वुपारी डालकर मजे लेते हैं। यहाँ पर हर कोई पान खाता है, मतलब अपने को तो यार थोड़ा मैं क्या ज्यादा पान खा लो तो मेरे मुंह कच्चा पड़ जाता है, चाहे भली मीठा पान ही क्यों ना हो, तंबाकू वाला तो हम आपको पता ही खाते ही नहीं है। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने, आप लोगों को पता चल चुका होगा ये कैसे विलेज के अंदर आए हैं जहाँ पे लोगों को जो है वो हिंदी नहीं आती, इसको बांग्ला लैंग्वेज नहीं आती और फिर भी एक दूसरे से गूगल ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि देखे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग है इस टाइम के अंदर, देखिये मैं इस चीज के ऊपर काफी हैरान हूँ क्योंकि इस टाइम पे जितने भी बंगाली लोग हैं भाई, देखिये मैं इस बात पे हैरान हूँ क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग इस टाइम पे बांग्लादेश आ रहे, विजिट कर रहे और खास करके ढाका या मुख्तलिफ जगहों को विजिट कर रहे, तो इसी तरीके से ये बंदा भी वहां से आया हुआ है और ये इसलिए हैरान मैं इस बात पे हूं कि यार इसको बांग्ला लैंग्वेज नहीं आ रही, ये कैसे गांव में घुस गया है जिसके साथ इसके साथ कोई है भी नहीं, इसको सामने वाले से ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर ये ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं, वो भी गूगल ट्रांसलेशन यूज कर रहा है कि भाई आपके गांव में देखने आया हूं, आपका गांव विजिट करने आया हूं और मुझे आपका गांव देखना है और मुझे हिंदी आती है, मुझे बांग्ला लैंग्वेज नहीं आती, एक दूसरे से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर गांव वाले जो बात करें वो गूगल ट्रांसलेटर को सुनाते हैं, फिर देन उसको हिंदी के अंदर आ जाता है और उनको समझ आती है। तो देखो खुशी होती है इस तरीके से कि कोई दूसरे कंट्री से आके इधर आ रहा है। रिसेंटली टाइम के अंदर तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफी क्लैशेज हुए हैं, काफी सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग देखेंगे ना तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंडिया आउट की कैंपेन चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर और इस सारी चीज़ों को मिला के बेसिकली अगर हम देखते हैं ना तो यार मसला बड़ा क्रिएट हो रहा है। और अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं ये मसला इसलिए भी क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो है वो साजिशें हो रही है और इंडिया जो है वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है। बट हम उस चीज़ को नहीं देखते, बट हम सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर्स को देखते हैं, व्लॉगर्स की वीडियो को देखते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ये खबर मिली है कि भाई बांग्लादेश के अंदर विजिट करना चाहिए
चाहिए और पाकिस्तानी बड़े खुश है। रिसेंटली पाकिस्तानी भाई भी थे, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आए थे। इसके अलावा एक और इंडियन ब्लॉगर है जो बांग्लादेश के अंदर विजिट करे, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स उनके भी है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे क्योंकि मैं भी इसी तरीके से इनके व्लॉग्स को देखता हूँ, रिएक्शन देता हूँ, फिर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। मुझे भी इनको देखना है कि भाई किस तरीके से बांग्लादेश को विजिट करते हैं। अभी ये इसकी खूबसूरती देखे ना आपके भाई, एक को हिंदी नहीं आ रही, एक को जो है ना बांग्ला लैंग्वेज नहीं आ रही, और फिर भी एक दूसरे से ट्रांसलेशन के जरिए बात करे, तो एक दोनों मुल्कों के बीच में प्यार मोहब्बत जब होती है तो वो होता है। अब ये जो कैंपेन वगैरह चल रही है एक दूसरे के मुल्कों के बीच में, वो तो होता रहता है, कभी पाकिस्तान इंडिया का होता है, कभी इंडिया पाकिस्तान का होता है, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का होता है, कभी इंडिया बांग्लादेश का होता है, तो किसी न किसी कंट्री और आपस में इन दोनों मुल्कों के बीच में होता रहता है।